प्राचीन काल से भारत में सस्टेनेबल लिविंग या शाश्वत जीवन जीने का चलन रहा है। अगर हम देखें तो हमारे देश की पुरातन इमारतों का निर्माण जलवायु के अनुरूप होता था, जिसमें स्थानीय संसाधनों का उपयोग होता था। साथ ही जल संचयन, प्राकृतिक वायु संचार और अपशिष्ट पदार्थों की निकासी का उपयुक्त प्रबंध होता था। गोलकोंडा, हवा महल, लाल किला, अजंता एलोरा के मंदिरों जैसी इमारतों में आप आज भी प्राचीन भारत की सशक्त और शाश्वत निर्माण शैली की झलक देख सकते हैं। हमारे देश में प्राचीन काल से अभ्यास किया गया है कि कैसे हम निर्माण को टिकाऊ बना सकते हैं। महाभारत और वेदों में भी शाश्वत तरीके से काम करने के उदाहरण हैं। शाश्वत यानी सस्टेनेबल या टिकाऊ, वो जो लंबे समय तक रहता है और जो हमारे आगे की पीढ़ियों के लिए भी रहेगा। हमने हमेशा पंच महाभूत के आधार पर वास्तु विकास में काम किया है, जो पृथ्वी, आब, तेज, वायु और जल है। तेजो, वायु, जल। आधुनिक वास्तुकला अब ग्रीन बिल्डिंग के माध्यम से प्राचीन भारत के शाश्वत निर्माण के मूल्यों का उपयोग कर रही है। 2003 में भारत की पहली ग्रीन रेटेड बिल्डिंग CII सोहराबजी गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर का निर्माण हैदराबाद में हुआ। इस बिल्डिंग की डिजाइन प्राचीन भारत के निर्माण सिद्धांतों और आधुनिक वास्तुकला या मॉडर्न आर्किटेक्चर के संयोजन से तैयार की गई है। यह यूनाइटेड स्टेट्स ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल USGBC और लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन लीड वर्जन 2 के ढांचे के अनुसार बना है। आज वर्ष 2020 में भारत में करीब 10,000 से अधिक रजिस्टर्ड ग्रीन बिल्डिंग्स हैं और कई इमारतों का निर्माण अब ग्रीन बिल्डिंग की टेक्नोलॉजी पे किया जा रहा है। इसका एक उदाहरण देखने को मिलता है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट या टेरी के दिल्ली में स्थित स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज के कैंपस में। यहाँ बाहर की गर्म हवा को फिल्टर करने के लिए एक शीतल सुरंग यानी टनल बनाई गई है। इस तकनीक से बाहर से अंदर आने वाली गर्म हवा ठंडी हो जाती है और अंदर का वातावरण शीतल हो जाता है। ग्रीन बिल्डिंग में ऊर्जा की खपत कम होती है, उसके लिए एक तकनीक है अर्थ एयर टनल या पृथ्वी वायु सुरंग। इसका मूल सिद्धांत यह है कि जमीन से 4 मीटर नीचे तापमान पूरे वर्ष समान रहता है। इसमें यदि आप 4 मीटर गहरी सुरंग के बाहरी हिस्से से हवा को अंदर जाने देते हैं तो वो हवा गर्मी में ठंडी और सर्दियों में गर्म रहेगी। हमने ग्वाल पहाड़ी के हमारे परिसर में एक अर्थ एयर टनल का निर्माण किया है। उसका उपयोग उन कमरों में एयर कंडीशन प्रदान करने के लिए किया जाता है जिसमें लोग बैठक या सम्मेलन के लिए परिसर में रहते हैं। ये एक 30 कमरों का हॉस्टल ब्लॉक है। So there is a 30 room hostel block.